अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 8.1 कंप्लीट की थी। 8.1 का टॉपिक जो था वो मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड था। अच्छा, एक पॉइंट जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था, वो क्वेश्चन आई गेस क्वेश्चन नंबर 16 का कुछ पार्ट था या 17 का था, जिसमें वो आपको डिविजिबिलिटी प्रूफ करनी होती थी। एक सेकेंड, तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 4 अगर आप देखो ना, तो उसमें था क्या लिखा हुआ था कि आपने प्रूफ करना है इस स्टेटमेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो यही चीज मुझे आपको बतानी थी कि ये पंजाब बोर्ड में हेडिंग बनी हुई थी, तो मैंने देखी थी, मैंने कहा चलो ये बता दूं, कभी आए तो आप लोगों को पता हो गया ये वही चीज है, बस हेडिंग इसकी है कि जो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन है ये नॉर्मली आप यूज करते हो नेचुरल वैल्यूज के ऊपर, 1, 2, 3 ऑनवर्ड आप यूज कर रहे होते हो और प्रूफ कर रहे होते हो। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दी थी इंट्रोडक्शन में मैथमेटिकल इंडक्शन के, कि आपको कभी बोल देंगे स्टेटमेंट को प्रूफ करो n इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 पे, या नेगेटिव को बोलते हैं कि n इक्वल टू और ग्रेटर देन -4, तो आप -4 से ग्रेटर बेस वैल्यू आप -4 ले लोगे और -4 से ग्रेटर आप प्रूफ कर रहे होगे। तो कहने का मतलब है कि जब जो स्टेटमेंट आपने प्रूफ करनी होती है नेचुरल वैल्यूज पे, तो उसको आप बोलते हो मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी टेक्निक को अगर आप एक्सटेंड कर दो ऑल नंबर्स के लिए, कोई भी अगर स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें आपको बोला जाए कि स्टेटमेंट को फला फला वैल्यूज के लिए प्रूफ करो और वैल्यूज नेचुरल ना हो, तो टेक्निक रिमेन सेम। जो बिल्कुल छोटी वैल्यू होगी, बेस वैल्यू होगी, उसको आप जैसे आप n इक्वल टू 1 ले देते, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिख दूं n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 फॉर एग्जाम्पल, तो बेस वैल्यू -6 है अब यहां पर, बाकी मेथड वही होगा। तो ये जो चीज है ना, इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। एक होता है मैथमेटिकल इंडक्शन जिसमें आप नेचुरली डिस्कस कर रहे होते हो, अगर नेचुरल से थोड़ा बाहर आओ इन वैल्यूज को अगर आपने प्रूफ करना हो तो फिर आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये एक्सटेंडेड का वर्ड मैंने कहा आप लोग कभी पढ़ो तो ये ना सोचो पता नहीं क्या चीज है, ये वही चीज है। और इसका क्वेश्चन आप अगर कंसिडर करो ना, तो काइंड ऑफ पार्ट 4 में आपने देखा था कि वहां पे n इक्वल टू 1 हमने कंसिडर नहीं किया था, n इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे थे, थोड़ा सा हट के था वो। लेकिन एक्सटेंडेड जो पर्टिकुलर बोला जाएगा ना, वो इन वैल्यूज के लिए बोला जाएगा। तो नॉर्मल मैथमेटिकल इंडक्शन है वो n इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 0 पे ही होता है। वो मैंने बताया था कहीं आप 1 ले लेते हो, ज्यादातर 1 ले रहे होते हो, या कहीं ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप 0 से भी बात स्टार्ट कर रहे होते हो, लेकिन अदर देन कोई इस टाइप की चीजें हो तो फिर आप प्रिंसिपल वही रहता है लेकिन उसका नाम ही होता है कि एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। बहरहाल अब आ जाओ बच्चों 8.2 के ऊपर। एक्सरसाइज 8.2 जो है इसको करवाने से पहले इसके टॉपिक मुझे आपको बताने हैं, और इसके टॉपिक की हेडिंग क्या है, क्या लिखी हुई बुक वाला हेडिंग, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी तक आपने नेचुरल नंबर देखे हुए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं नेचुरल नंबर लिखता हूं, पहली बात सम की बात की जा रही है। तो चैप्टर नंबर 6 में आपने देखा था कि अगर आपके पास सीक्वेंस गिवन है और आप उसको सम कर दो तो उसके सीरीज का वर्ड हम यूज करते हैं। तो मैं एक सीरीज आप लोगों के सामने लिखने लगा हूं, वो सीरीज है 1+2+3 अप टू n टर्म तक, इसको एंड करना है। इसकी n टर्म क्या है, nth टर्म इसकी क्या होगी, n ही होगी। पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म 3 है, तो nth टर्म इसकी क्या होगी, n ही होगी, और इसको आपने एड करना है। इसको आप बोलते हो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, के जो ये नेचुरल नंबर है ना, शुरू के n नेचुरल नंबर है, वेयर n क्या हो सकते हैं, 50 टर्म, 100 टर्म, कुछ भी हो सकते हैं ना। ये आपने nth टर्म लिखी हुई है, मे बी सम ऑफ 10 फर्स्ट नेचुरल नंबर जो 1+2+3 अप टू 10 तक जा रहे होंगे, या मे बी 50 तक जा रहे हो, जो भी है वो, ठीक है। इसी तरह एक और चीज होती है जिसको आप बोलते हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इनके स्क्वायर भी आप कंसीडर करते हो। फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू, इसकी nth टर्म क्या होगी, इसकी nth टर्म होगी n स्क्वायर, क्योंकि पहली टर्म है तो 1 का स्क्वायर, दूसरी टर्म है 2 का स्क्वायर, तीसरी टर्म है 3 का स्क्वायर, तो जो nth टर्म होगी उसमें क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। और एक तीसरी चीज हमें डिस्कस करनी है, वो है क्यूब वाला भी, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और इसकी nth टर्म क्या होगी, n क्यूब। ये तीन सीरीज मैंने आपके सामने लिखी हुई है, इसकी हेडिंग है जो बुक वालों ने क्या बोला हुआ है, सम ऑफ, वो तो आपको पता चल रहा है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब नेचुरल होता है, ये एक नेचुरल नंबर को डिफाइन करने का थोड़ा अच्छा वर्ड कह लो और जुमला कह लो, कि पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब नेचुरल नंबर, पावर्स मतलब पावर आपके पास नेचुरल नंबर्स हो सारी। तो आपको नजर आ रहा है 333 है, या 22 है, या पावर 1 है, या पावर 10 हो, डिस्कस आप ये कर रहे हो, मतलब इसे आगे भी आप कर सकते हो, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, उनके फॉर्मूले भी शायद मुश्किल बन जाएंगे। तो ये डिस्कस ये तीन की जा रही है, लेकिन अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो पावर इनकी नेचुरल है, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, सब नेचुरल पावर है।
ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आपको नजर आ रहा है कि नेचुरल नंबर्स ही हैं, वन से स्टार्ट हो रहे हैं, वन टू थ्री अप टू नेचुरल नंबर। तो ये टॉपिक है, आपने इनके बारे में पढ़ना है। अब इनके बारे में क्या पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ने से पहले यार सिंध बोर्ड में ये नोटेशन यूज हुई है, लेकिन उन्होंने कोई अलग से इसको डिफाइन नहीं किया। आई गेस नाम पता नहीं उन्होंने बताया हुआ है, नाम भी नहीं बताया था तो मुझे लगता है नाम भी मेरे खबर नहीं डिस्कस किया, एटलीस्ट चैप्टर 8 में नहीं, चैप्टर 6 में तो इंट्रोडक्शन दिया भी नहीं इसका। पंजाब बोर्ड में ये आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर मिल जाएगा, किसी को शौक हो तो मजीदा पढ़ सकते हो, गूगल भी आप लोगों के पास है। जो टॉपिक है ना इसको आप कहते हो सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन क्या होती है, देखो सिग्मा नोटेशन होती है, कोई भी आपके पास अगर सीरीज गिवन है ना, तो सीरीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। जैसे फैक्टोरियल था, अगर आपके पास, अच्छा फैक्टोरियल के भी एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं बताऊंगा, पहले ये बता दूं उसके बाद बताऊंगा। तो इस पूरी सीरीज को अब मैं इस तरह लिखूं, अब ये थोड़ा बड़ा तरीका है, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, एक नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो हम यहां पे एक लेटर यूज करते हैं जिसको आप कहते हो ग्रीक लेटर है वो। एक सिग्मा आपने फिजिक्स में यूज किया होगा, वो इस टाइप का सिग्मा होता है। जैसे इंग्लिश में स्मॉल लेटर, स्मॉल केस लेटर होते हैं, मतलब अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर होते हैं, इसी तरह ग्रीक में ये लोअर केस सिग्मा है। इसका अपर केस सिग्मा क्या है, ये वाला ई की फॉर्म में होता है, लेकिन ये इस टाइप का होता है, तो ये अपर केस है, ठीक है, बोलते हैं इसको भी सिग्मा, इसको भी सिग्मा, लेकिन ये फर्क है इसके अंदर। तो ये नोटेशन यूज होती है सम के लिए, इसको सिग्मा नोटेशन कहते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस क्या, इसका मकसद क्या होता है, समीशन का। अगर कोई चीज सम हो रही है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। किस तरीके से, क्या आप क्या करते हो, यहां पे आप एक जनरल टर्म लिखते हो, किसी भी सीरीज की, जो सीरीज आप डिस्कस कर रहे हो ना, उसके सम का फॉर्मूला नहीं कह रहा मैं, इसके सम का फॉर्मूला यहां पे नहीं लिखूंगा, जो सीरीज आप डिस्कस कर रहे हो ना, उस सीरीज में जो एनथ टर्म है वो आप यहां पे लिख रहे होते हो, तो एनथ टर्म आपने यहां पे लिख दी। इसी तरह अगर आप इसमें देखोगे एनथ टर्म क्या है, एन स्क्वायर, देखो दो चीजों का फर्क होता है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है। ये जो मैंने चीज लिखी हुई है ना, ये इस सीरीज की एनथ टर्म है, और एक चीज होती है जो इसका फॉर्मूला होता है। जैसे इसमें आप फॉर्मूला पढ़ोगे, आई गेस एनथ है, फिर एन प्लस वन है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद यही फॉर्मूला है। ये जो स्क्वायर की सीरीज है ना, इसका फॉर्मूला ये वाला है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये सम का फॉर्मूला है। मतलब क्या, इन दोनों फॉर्मूले में जरा मतलब आपको समझ आना चाहिए। इसमें जब आप एन की जगह टू पुट करोगे ना, या फॉर एग्जाम्पल एन की जगह थ्री पुट करोगे, तो ये आपको इस सीरीज की शुरू की तीन टर्म का सम देगा। अगर आप फाइव पुट करोगे तो शुरू की पांच टर्म का सम देगा। ये इस फॉर्मूले का मकसद है, इसको हम बोलते हैं सम का nth टर्म फॉर्मूला। और एक nth टर्म फॉर्मूला ये होता है, जिसको जनरल टर्म फॉर्मूला या nth टर्म फॉर्मूला बोलते हैं, ये होता है अगर आपने सीरीज की तीसरी टर्म मालूम करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें थ्री पुट करोगे ना, तो आपको जस्ट तीसरी टर्म मिलेगी, अगर फाइव पुट करोगे पांचवी टर्म मिलेगी, जबकि इसमें फाइव पुट करोगे तो शुरू की पांच टर्म का सम मिलेगा। तो ये दो बातें इनको आपने ध्यान में रखना है। तो जो सिग्मा है ना, इसमें आप जो सीरीज है उसकी एनथ टर्म पुट करते हो, इसमें आप एन स्क्वायर पुट कर दोगे, इसमें आप एन क्यूब पुट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप क्या लिखते हो, आप ही कहते हो कि स्टार्ट आपने कहां से होना है, वन से। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली एग्जाम्पल ही अभी जनरली आपको करवा रहा हूं, ये सिग्मा नोटेशन है। अब ये वर्क कैसे करती है, मतलब क्या चीज मैंने यहां पर लिखी है। सबसे पहले जनरल टर्म आप देखो, जनरल टर्म क्या है, एन। आप इस जनरल टर्म में वैल्यूज पुट करोगे, सबसे पहले जो नीचे वाली लिमिट है ना, वो आपको बता रही होती है, यहां से आपने पुट करना स्टार्ट करना। तो सबसे पहले आपने क्या पुट करना है, वन। जरूरी नहीं कि नीचे वन हो, नीचे टू भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, लेकिन जो भी नीचे चीज लिखी हुई वहां से आपने स्टार्ट करना होता है। तो ये वन है, वन से आपने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप एन की जगह वन पुट कर दो, कर दिया पुट। अब आप एक जंप मारोगे, वन पहले पुट किया था, अब आप टू पुट करोगे, आप एन की जगह टू पुट करो, एन की जगह टू पुट कर दिया, फिर एन की जगह थ्री पुट करो, थ्री पुट कर दिए, एन की जगह फोर पुट करो, फोर पुट कर दिए, फिर एन की जगह फाइव पुट करो, दैट्स इट। इसके बाद आप नहीं पुट करोगे, क्योंकि मैक्सिमम आपने क्या पुट करना है, फाइव पुट करना है, फाइव से ऊपर नहीं आपने जाना, ठीक है। ये जो पांचों वैल्यू आप पुट कर दोगे, तो इसको आपस में ऐड कर दो। तो ये जो पूरी आपने लंबी सी चीज लिखी है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म ये है, ये इस तरह वर्क करता है समीक्षण। तो समीक्षण सिग्मा रोटेशन, इसके लिए आपको ये समझ लो दो बातें बतानी चाहिए। एक तो जनरल टर्म, जो सीरीज आप कंसीडर करना चाह रहे हो, जो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, उसकी जनरल टर्म आपको बताना चाहिए, वो जनरल टर्म आपने लिख दी। दूसरी बात आपको बताना चाहिए कहां से लेके कहां तक है। तो वन से लेके फाइव, तो आपने पुट कर दिया, ये पूरा आ गया। तो वैल्यू पुट करते हो, ऐड करते हो, फिर पुट करते हो, ऐड करते हो, करते करते ये पूरी आपके पास सीरीज आ जाती है। तो जो पूरी सीरीज है उसको लिखने की शॉर्ट नोटेशन जो है वो ये वाली है। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। कितने ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मैं बोलता हूं कि यार वन से लेके आपने एनथ टर्म तक जाना है। जैसे आपने यहां पर देखा था, वन से लेके nth टर्म। अब nth टर्म जनरलाइज बात की गई है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं की गई, बोला nth टर्म तक आपने जाना है। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले आप वही वन पुट करोगे। मैं शुरू की तीन टर्म पुट करके दिखाता हूं। आपने वन पुट किया, वन आया, प्लस
टू पुट किया टू आ गया, प्लस थ्री पुट किया थ्री आ गया। अब आपने एरे सम तक जाना है ना, तो अब आप सब थोड़ी ना पुट करोगे, आप डॉट 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 लगाओगे और बस आखिरी टर्म पुट कर दोगे। जब एन आप पुट करोगे इस एन के अंदर, तो आंसर क्या आएगा, एन। अब ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही है, वैसे मैथमेटिकल आपके पास राइट हैंड साइड बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात अजीब लग रही है कि आखिरी वैल्यू में आपने क्या किया, आपने इस एन की जगह पे एन को पुट कर दिया। अजीब सी नहीं बात लग रही, एन की जगह एन को पुट कर दिया, तो दैट्स व्हाई जो थोड़ी सी ऑकवर्डनेस होती है ना, इसको हम थोड़ा खत्म करते हैं। किस तरीके से, कि जब आपने एनथ टर्म तक जाना होता है ना, जैसे पहले वाले केस में आपने चार टर्म तक जाना था, पांच टर्म तक जाना था, फिर तो सही था मामला, एन लिखा आपने, नॉर्मली एन यूज कर रहे हो, तो जब भी आप सीरीज की डिस्कस कर रहे होते हैं ना, उसमें जो आपने वेरिएबल लेना होता है वो एन लेना होता है। देखो जैसे कोई अननोन आप डिस्कस करते हो अलजेब्रा के अंदर, तो मेजोरिटी एक्स होता है ना वहां पे, अगर आप ए ले लो तो मसला है नहीं है, लेकिन हमने एक्स फिक्स किया हुआ होता है। इसी तरह सीरीज में, सीक्वेंस में, जब भी आप जनरल टर्म लिखते हो तो वो एन की फॉर्म में लिख रहे होते हो, नंबर ऑफ टर्म से हमने एन निकाला है, ठीक है। तो यहां पर जनरल टर्म है वो एन की फॉर्म में, लेकिन जब आपने एनथ टर्म तक जाना है तो ये बहुत अजीब चीज लगती है कि आप एन ही पुट करोगे एन के अंदर, तो हम फिर एक वेरिएबल चेंज कर देते हैं, इसको आप कहते हो डमी वेरिएबल, अपनी तरफ से आपने वेरिएबल कर दिया। फॉर एग्जांपल यहां पे आप के रख दो और अब आप बोलो कि के स्टार्ट करना। अब इसका मतलब क्या, एग्जैक्ट यही मतलब है इसका भी, सबसे पहले के की वैल्यू वन है, के की जगह वन पुट करो वन आ जाएगा, के की जगह टू पुट करो टू आ जाएगा, एड करते जाओ, फिर थ्री पुट करो थ्री आ जाएगा, करते करते एंड पे क्या पुट करोगे, के की जगह पे आप पुट कर दोगे एन, के की जगह पे एन पुट कर दिया, तो ये चीज आ। अब हुआ कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड वैसी की वैसी है, लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट है, ये मैंने आपको बताया। तो ये जो सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, इसके जो बेस्ट फॉर्म है वो इस तरीके से आप लिखो, तो मैथमेटिकल सही नोटेशन आपने यूज किया, ठीक है। तो आप इस तरह लिखोगे, उस वक्त जब आपकी अपर लिमिट एन है तो आप फिर वेरिएबल को चेंज कर देते हो, डमी वेरिएबल लिख देते हो, और फिर राइट हैंड साइड पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आप यूज कर लो, या तो ये काम कर लो, या एक और काम है वो भी आपने बुक में मेंशन किया, या आप इस चीज को ऐसे लिख दो, जब भी आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ हो जनरल टर्म और कोई ऊपर नीचे लिमिट नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन यहां पे, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है वन से लेके एन तक जाओ, बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये होता है। कुछ चीजें होती है ना बाय डिफॉल्ट के मतलब में रखे होते हैं, यार अगर ये लिखोगे तो भाई इसका मतलब ये होगा बस, ठीक है। तो अगर कुछ ऊपर नीचे लिमिट ना लिखी हो तो बाय डिफॉल्ट ये इंप्लाइड होता है इसके अंदर कि वन से लेके एन तक आपने जाना है। अब यहां पर आप के यूज ना करो, क्योंकि फिजिकल तौर पे आपको कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना कि अपर लिमिट एन है, आप यहां पे एन पुट करोगे तो ऑकवर्ड हो जाएगा, कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना आपके जहन में सारी बातें कि आपने एन तक जाना है, आप बकायदा कुछ पुट नहीं कर रहे हैं यहां पे, तो दैट्स व्हाई इस वाले सिचुएशन में आप डायरेक्ट एन लिख दो, आपको एन की जगह के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल यहां कोई आपने वैल्यूज पुट नहीं करनी, कोई आपके इसको आप इंडेक्स कहते हो, इंडेक्स कहते हैं ना इसको, इंडेक्स ऑफ समिशन, इंडेक्स ऑफ समिशन एक वर्ड होता है मेरे जहन में आ रहा है, मैं गूगल कर लेता हूं, इंडेक्स ऑफ समेशन इसको तो नहीं कहते हैं, बस मुझे यही कंफर्म करना है क्योंकि वर्ड आ गया तो आप लोगों को मतलब बताओ ना, इंडेक्स ऑफ समेशन एकदम से मेरे जहन में आया है, इंडेक्स ही नीचे वाली चीज होनी चाहिए जहां तक मुझे होना था, हाँ नीचे वाली चीज ही होती है, इसको इंडेक्स ऑफ समेशन कहते हैं, इसको मैं ख्याल में ये जो जनरल टर्म है इसको मैं ख्याल में समेंट कहते हैं, अब ये मैं नहीं सर्च कर रहा, समेंट मतलब पता नहीं जिसको सम करना है यार, ये टर्मिनोलॉजी में मैं कच्चा हूं, यादाश्त मेरी इतनी अच्छी नहीं है, कॉन्सेप्ट पता है लेकिन नाम मैं भूल जाता हूँ, पर ये जो नीचे चीज लिखी होती है इसको आप इंडेक्स कहते हो, इंडेक्स ऑफ समीचर मतलब ये लोअर इंडेक्स है, इसको अपर इंडेक्स बोलता हूँ, इंडेक्स ये वर्ड बोला जाता है इसके लिए कि आपने यहां से लोअर इंडेक्स मतलब यहां से स्टार्ट करना है और अपर इंडेक्स मतलब यहां तक आपने जाना है। तो अगर आपको ऊपर नीचे वाली चीज इंडेक्स जिसको मैं बोल रहा हूँ ये अगर मेंशन ना हो तो फिर आपको कोई डमी वेरिएबल के यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एन ही लिख दो और उसका मतलब बाय डिफॉल्ट ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एन स्क्वायर कर दूं तो अब इसका डिफॉल्ट मतलब क्या है कि वन से लेके एन तक आपने जाना है, तो सबसे पहले आप वन पुट करोगे, ठीक है, प्लस फिर टू पुट करोगे टू का स्क्वायर, प्लस फिर थ्री पुट करोगे थ्री का स्क्वायर, प्लस अब टू जो आखिरी चीज है वो एन है, यहां पे एन पुट करोगे तो एन स्क्वायर। अब फिजिकल तौर पे आप एन पुट नहीं कर रहे, अगर मैं ये चीज करता ना तो अब चीज ऑकवर्ड हो जाती कि यार एन की जगह मैं एन पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता, मैं यहां पे के कर देता, यहां पे के कर देता, तब वो बात थी, लेकिन जब यहां पे लिखा हुआ नहीं है ना, बेशक मतलब इसका यही है वन से लेके एन, लेकिन अब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज लिखी हुई थी ना आपके सामने, आप इस तरीके से लिखो सेम चीज को, आप इस तरीके से लिखो, मतलब एक ही होगा। तो दैट्स व्हाई जब मैं सवाल सॉल्व करवा रहा हूं ना, लंबी करने की जरूरत यह है, ये सवाल सॉल्व करवा रहा हूं तो मैं ये यूज कर लूंगा, मैं ये यूज नहीं करूंगा, ऊपर नीचे सपोर्ट करना पड़ेगा, अनलेस अगर इंडेक्स चेंज हो जाए, अगर वन से लेके एन है तो आप बस ये सिंबल यूज कर लो, अगर कुछ और है वन से लेके फॉर एग्जाम्पल टू एन है, या वन से लेके कोई नंबर लिखा हुआ फाइव टेन कुछ भी, तो फिर आप ये पूरा ये वाला सिंबल यूज करते हो, ये सिंबल जस्ट आप उस वक्त यूज करते हो जब वन से लेके आपने एन तक जाना होता है।
तो ये बच्चों सिग्मा नोटेशन के बारे में बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। अच्छा एक और चीज है, सिग्मा नोटेशन कॉन्स्टेंट का क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि आप एन वन से लेके फाइव तक पुट करो, अब यहां पर जनरल टर्म है वो कॉन्स्टेंट है, तो याद रखना जब भी कॉन्स्टेंट आपके पास लिखा हुआ है ना और आपने वन से जाना है, वन से लेके फाइव तक जाना है और जनरल टर्म में कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, तो इसकी शॉर्टकट फॉर्म क्या है, इस फाइव को वन से मल्टीप्लाई कर दो, फाइव आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि आप इसके अंदर जब वन पुट करोगे, इसके अंदर आपको एन नजर तो नहीं आ रहा ना, अगर जबरदस्ती एन लाना चाह रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह लिख दो एन की पावर जीरो, एन की पावर जीरो वन होगा ना, तो सबसे पहले आप वन पुट करोगे वन की पावर जीरो वन, फिर आप टू पुट करोगे टू की पावर जीरो वन, फिर थ्री पुट करोगे थ्री की पावर जीरो वन, फोर पुट करोगे फोर की पावर जीरो, फाइव पुट करोगे फाइव की पावर जीरो वन, और आपस में ऐड कर दो तो रिजल्ट इसका फाइव ही आ रहा है। तो तभी मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया था कि अगर वन से आप स्टार्ट कर रहे हो और यहां पे कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, फाइव लिखा हुआ है, टेन लिखा हुआ है, कुछ भी, तो जो अपर लिमिट है ना उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी, इस तरह भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा एक और चीज बता दो फिर मैं टॉपिक पे आ जाऊं, एक और नोटेशन भी होती है जिसको आप पाई नोटेशन कहते हो, पाई नोटेशन फैक्टोरियल में भी आप यूज करते हो, जैसे सिग्मा नोटेशन का मतलब होता है सम, पाई नोटेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट, पाई नोटेशन इस टाइप की लिखी जाती है, आई गेस यही सिंबल यूज होता है ना। इसके नीचे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह लिखूं एन इक्वल टू वन से लेके फाइव जनरल टर्म में लिखती है, अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले वन पुट करो मल्टीप्लाई, टू पुट करो एन की जगह मल्टीप्लाई, थ्री पुट करो मल्टीप्लाई, फोर पुट करो मल्टीप्लाई, आखिरी चीज क्या पुट करनी है फाइव। तो ये बेसिकली फैक्टोरियल ही है ना, फैक्टोरियल को उल्टा पढ़ रहे हो, फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल को आप किस तरह लिखते हो, फाइव फोर थ्री टू वन, इसको वन टू थ्री फोर फाइव लिख रहे हो, तो बेसिकली जो फैक्टोरियल है ना उनको आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता ना किस तरह आप लिख रहे हो, तो जो फैक्टोरियल है उनको भी आप इस तरह लिख सकते हो प्रोडक्ट के इसकी पाई नोटेशन में, तो पाई नोटेशन का मतलब प्रोडक्ट, सिग्मा नोटेशन का मतलब सम। तो ये इसके बारे में, खैर अगर आप लोगों को शौक हो तो मजीद आप लोग पढ़ लेना। अब जरा मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि करना क्या है यहाँ पे, देखो जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट हमारा काम यहाँ पे क्या है कि जो तीन सीरीज आपके सामने लिखी हुई है ना इनके सम का फॉर्मूला निकालना है, ये तो इनकी जनरल टर्म लिखी हुई है ना, आपने इनको सम करना है। अब देखो जो पहली सीरीज है इसको सम करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये एक सिंपल एक अरिथमेटिक सीरीज है, आप अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे सम का, आपके पास आने से समझ लीजिए, लेकिन बाकी जो है वो अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, ये कोई अरिथमेटिक नहीं है, ठीक है। वन का स्क्वायर ये वन हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, वन फोर नाइन फिर सिक्सटीन अगली टर्म होगी, तो ये कोई अरिथमेटिक सीरीज नहीं आपके पास बन रही। हाँ स्क्वायर के नीचे अरिथमेटिक है, अगर स्क्वायर आप छोड़ दो तो नीचे अरिथमेटिक ही चल रही है, लेकिन उससे आप इसका सम का फॉर्मूला नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। सम का फॉर्मूला निकालने के लिए आप पूरी टर्म को सॉल्व करते हो, तो इसको सॉल्व करोगे वन ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा नाइन, ये हो जाएगा सिक्सटीन, तो आप डायरेक्ट कोई अरिथमेटिक नहीं है, ज्योमेट्रिक नहीं है जो आप इनकी सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे, सेम नीचे के लिए भी कोई नहीं है, तो आपने इनका सम का फॉर्मूला कैसे निकालना है। इसके दो तीन मेथड होते हैं, दो मेथड तो बुक वालों ने लिखे हैं लेकिन सेम किस्म का मेथड है, लेकिन इक्वेशन डिफरेंट कंसीडर करके उन्होंने लिखा है। मैं इनके फॉर्मूले प्रूफ करवा रहा हूं आपको, और आप लोग कहोगे सर प्रूफ क्यों करवा रहे हैं, यहां पे प्रूफ इंपॉर्टेंट है, मैं नॉर्मली प्रूफ करवाता नहीं हूं क्योंकि कोई मकसद नहीं होता प्रूफ का, लेकिन यहां पे मकसद है, आप काफी बातें सीखोगे यहां से, समीशन समीशन नोटेशन आएगी ना तो उससे काफी बातें आप सीख रहे। तो प्रूफ इनके करने किस तरीके से, इसका फॉर्मूला कैसे मालूम करना है, इसका फॉर्मूला कैसे मालूम करना है, इसका फॉर्मूला कैसे मालूम करना है, किस चीज का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला। अगर आप इन तीन सीरीज को सम करोगे तो सम का जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, कि आपके पास जनरल फॉर्मूला आ जाए ना, फिर आप एन की जगह फाइव पुट करो तो शुरू के पांच नेचुरल नंबर का सम मिल जाए। अगर इसका फॉर्मूला हम निकाल लेंगे तो इसमें जब फाइव पुट करेंगे शुरू के पांच नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम में आपको मिल जाएगा। इसके सम का फॉर्मूला अगर हमें मिल गया उसमें डायरेक्ट अगर हम फाइव, आसानी हो जाएगी ना। अब मैं बोलूं इस सीरीज में आप शुरू की 50 टर्म का निकालो, बेशक आपके पास कैलकुलेटर है लेकिन आपको कितना टाइम लगेगा, वन का क्यूब करोगे टू का क्यूब करते 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 50 तक जाओगे, तो बेहतर है आप इसके को सम का फॉर्मूला निकाल लो, जैसे ही फॉर्मूला आएगा उसमें 50 पुट कर देना, तो वो फॉर्मूला आपको शुरू के 50 जो नेचुरल नंबर है उनके क्यूब का सम दे देगा। बेशक बहुत बड़ा फॉर्मूला कैलकुलेशन होगी लेकिन कैलकुलेटर है ना आपके पास, शॉर्ट फॉर्म बन गई है आपकी, इतना लंबा करने से बेहतर है इनके सम का फॉर्मूला निकाल लेते। यही जनरल टर्म निकालने का फायदा होता है, जनरल टर्म निकालने का फायदा यही है, इसी तरह सम के जनरल फॉर्मूला निकालने का ही तो फायदा होता है। तो खैर अब निकालने किस तरीके से उनको जरा देख लो, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। अच्छा ये जो है ये आप अरिथमेटिक सीरीज से भी निकाल सकते हो, इसका फॉर्मूला बड़ा इजी सा होता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू, यही तो एक साइंटिस्ट था जिसको सजा मिली थी कि शुरू के 100 नेचुरल नंबर का आप सम करो। अभी मैंने यूट्यूब में बात बताई भी नहीं है, जो चैप्टर 6 के अंदर अपलोड है उसमें नहीं मैंने बताया भाई, तो इसकी बड़ी हिस्ट्री है कि उसको एक साइंटिस्ट था, उसको असाइनमेंट मिला था, सॉरी
पनिशमेंट मिली थी उसको कि 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर का सम करो। अब मैनुअली कैलकुलेटर के बगैर आप 1 से लेके 100 तक कैसे सम करोगे? शुरू के सम तो बड़े छोटे छोटे होंगे, 1 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, ये तो बड़ा अजीब आएगा। जैसे 10 के बाद जाओगे सम बहुत बड़े होते जाएंगे, और 100 तक आपने जाना है तो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी। तो उसने बड़ा एक इजी तरीके से निकाला था, अब वो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, पहली वीडियो का बहुत बड़ा टाइम हो गया, लेकिन ये बहुत ही मशहूर एक वाकया है, ये आपको आसानी से गूगल में मिल जाएगा। तो आप जैसे गूगल पे लिखते हो हिस्ट्री ऑफ अरिथमेटिक सम फॉर्मूला, वो आपको बता देंगे। ठीक है, मैंने नर्स के कोर्स में बताया हुआ, लेकिन वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं है अभी। है चलो, जो मेन चीज है उस पे आते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसका मैं अरिथमेटिक सीरीज से निकाल सकता हूं। असल जरूरत मुझे इसकी है, लेकिन मैं उसका भी निकाल दूंगा, ताकि जो हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं ना, तीनों के लिए वही चीज हो। लेकिन मैंने बता दिया कि पहले के लिए आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हम यहां पर इनके फॉर्मूले किस तरीके से निकालते हैं, हम एक चीज डिस्कस करते हैं यहां पे, मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। यही चीज मुझे बतानी थी, तभी फॉर्मूला प्रूफ करवा रहा हूं मैं। इसके बारे में जरा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहां पे ये जो पूरी चीज है, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू था, ईकैट में भी आता है। यहां पे देखो, एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। ये जो मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, एक सीरीज है, इसकी जनरल फॉर्म मैंने लिखी है, 1 से लेकर n तक मुझे जाना है। सवाल है कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो मुझे पता है इसका आंसर n की पावर m होगा, लेकिन अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को सर ये कहां से बात लगती है। तो ये ट्रिक के तौर पर बताई जाती है, लेकिन इसको आप प्रूफ कर सकते हो कि इतनी मुश्किल चीज नहीं है। जरा देख लेते हैं ये n की पावर m आया कहां से। यहां पे तो जरा पहले समझ लेते हैं इसको। आप क्या करो यहां पे, इस फॉर्मूले में जरा आप ऑब्जर्व करो, पुट कर दो वैल्यूज। आप सबसे पहले k की जगह 1 पुट करो, सही है, 2 पुट करो, 3 पुट करो, फिर हम n तक जाएंगे। ठीक है, जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले k की जगह 1 पुट करो, ये हो जाएगा 1 की पावर m। यहां पे k की जगह 1 पुट करो, 1 - 1 जीरो होता है, तो ये 0 की पावर m हो जाएगा। ठीक, प्लस, क्योंकि जब आप एक वैल्यू पुट करते हो जनरल टर्म के अंदर, फिर आप प्लस करते हो, फिर दूसरी वैल्यू पुट करते हो। अब आप इसके अंदर k की जगह 2 पुट करो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर m। यहां पे k की जगह 2 पुट करो, 2 - 1 होता है, 1 की पावर m हो जाएगा। प्लस, फिर आप k की जगह 3 पुट करो, ये हो जाएगा 3 की पावर m प्लस 3 - 1 2, ये हो जाएगा 2 की पावर m। ठीक है, इसी तरह आपने करते जाना है, 4, 5 करते करते कहां तक जाना है, n टर्म तक जाना है। तो मैं सिर्फ n तक, n टर्म्स तक नहीं जा रहा, मैं उससे पहले वाली टर्म भी आपको पुट करके दिखा रहा हूं। नॉर्मली हम nth टर्म पुट करते हैं ना, लेकिन n से जो पहले वाली टर्म होगी वो क्या होगी, n - 1 होगी। तो वो भी जरा पुट करके देख लो, मतलब 3 के बाद डॉट 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 सारी अप टू n - 1 टर्म देखते हैं। तो जब n - 1 पुट करोगे k की जगह पे, तो हो जाएगा n - 1 की पावर m। और यहां पे जब k की जगह n - 1 पुट करोगे, तो n - 1 - 1, ये हो जाएगा n - 2, दरमियान में माइनस। ठीक है, फिर आखिरी वैल्यू कौन सी होगी, n होगी, तो आप n पुट कर दो, k की जगह n पुट करो, ये हो जाएगा n की पावर m माइनस, यहां पे k की जगह n पुट करो, ये हो जाएगा n - 1 की पावर m। ये पूरा फॉर्मूला है, लाइक चीज लिखी हुई है ना, ये पूरी चीज इसके बराबर है, कि शुरू की 3 टर्म मैंने पुट करके दिखाई है, अब टू कहां तक जाना है, nth टर्म तक जाना है। अब मैं कर क्यों रहा हूं, आपको बता क्यों रहा हूं, ये ऐसी मजे की सीरीज है, इसमें हर चीज कैंसिल हो रही है। अब जरा देखते हैं, 0 को तो कंसिडर ही ना करो ना, इसको तो खत्म कर दो। ये 1 की पावर m जो है, ये नेगेटिव 1 की पावर m से कैंसिल हो रही है, ये 2 की पावर m नेगेटिव 2 की पावर m से कैंसिल हो रही है, और आपको पता है इसकी अगली टर्म क्या होगी, इसकी अगली टर्म होगी 4 की पावर m माइनस 3 की पावर m, तो ये 3 की पावर m इससे कैंसिल हो जाएगी, और ये चीज चलती जाएगी। देखो, हर टर्म कैंसिल होगी, पीछे जैसे आप आते जा रहे हो, हर टर्म कैंसिल होती जा रही है, कुछ भी नहीं बचा अभी तक, 0 रिजल्ट है इसका अभी तक, कैंसिल होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। इसी तरह ये जो n की पावर -1 पीछे सब कैंसिल होता हुआ आ रहा होगा, ये टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगी, ये जो n - 2 की पावर m है ना, ये भी कैंसिल होगी, जो इससे पहले वाली टर्म होगी ना, वो ये होगी, इससे पहले वाली टर्म जो होगी वो होगी n - 2 की पावर m माइनस n - 3 की पावर m। तो ये जो n - 3 की पावर m जो है, ये इससे पहले वाले से कैंसिल होगी होगी, जबकि ये जो n - 2 की पावर m है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो इस टर्म तक आते आते सब आपका कैंसिल हो चुका होगा, और इस टर्म की वाली टर्म भी कैंसिल होगी, तो पीछे क्या बचा है, पीछे n की पावर m बची है। तो ये ऐसी सीरीज है, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, हर चीज कैंसिल हो जाएगी सिवाय n की पावर m के, जो मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये बहुत जबरदस्त फॉर्म है, बहुत आपका टाइम बचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ईकैट में बता रहा हूं, तभी आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं, और नॉर्मली आप कैलकुलेट करोगे घंटे लग जाएंगे, 1 से लेकर फॉर एग्जाम्पल 10, मैं यहां पे लिखूं k की पावर 4 माइनस k माइनस 1 की पावर 4 की, ये चीज आपको निकालनी है। अब बाजार देखने में कितना मुश्किल लग रहा है यार, कैसे सॉल्व करें इसको, पुट करेंगे बहुत लंबा लंबा, 10 टर्म्स आ रही होंगे, ऐड करेंगे, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट,
फॉर्म देख लो वही वाली है कि k की पावर गिवन है माइनस k माइनस वन की पावर गिवन है, इन दोनों की पावर सेम है। तो ये फॉर्म आप देख लो ना, फॉर्म यही है, स्टार्टिंग वन से हो रही है, एंडिंग किसी पे भी हो, तो एग्जैक्ट ये चीज जो है इसे मैच कर रही है। अगर कोई भी चीज मैच नहीं करेगी तो फॉर्मुला वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान प्लस आ जाए तो आप नहीं लगा सकते, या स्टार्टिंग आप कर रही हो फॉर एग्जाम्पल 5 से, तो चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। बट तो एमसीक्यू में इस तरह देते नहीं, तो एग्जैक्ट इसको मैच करोगे तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। कैसे? सबसे पहले आंसर क्या है इसका? एन की पावर है। अब एन यहां पे क्या है? एन क्या होता है? जो आपके पास मैक्सिमम जहां तक आपने जाना होता है, ये एन होता है। तो आप लिखो एन की पावर एन। एन क्या होता है? इन दोनों की पावर, इन दोनों की पावर क्या है? 4। मसला है 10 की पावर 4, आपको पता है 10,000 होती है। तो विद इन आफ्टर लाइफ 5 to 10 seconds इसका आंसर बताती है। ठीक है, तो पहली चीज, एक फायदा हुआ कि आप ईकेट के लिए आपने कुछ चीजें पढ़नी है यहां पे। दूसरी चीज, अब ये प्रूफ करने में आपको कैसे हेल्प करेगी, अब उस पर आ जाते हैं।